कौशल किशोर देश को नशे से मुक्त करना चाहते हैं। बड़े स्तर पर मंत्री ने नशा मुक्ति को लेकर मुहिम चलाई। तमाम लोग नशा मुक्ति को लेकर संकल्प भी ले चुके हैं और तमाम लोगों ने नशे को छोड़ भी दिया। इसके बावजूद भी देश में कुछ ऐसे बड़े त्योहारों पर लोग नशे का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, तमाम अनैतिक कार्य करके पर्व की खुशियों को रंज में तब्दील कर दिया करते हैं। ऐसे लोगों से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर त्योहारों पर नशे का सेवन न करने की अपील करते हैं। जुआ, शराब, किसी भी तरीके के नशे का सेवन न करें। देखिए रिपोर्ट। हम केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के यहाँ हैं। दीपावली का पर्व है, सभी लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सभी को बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएँ दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और अपील है समाज के लिए, जो युवा वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, उसके लिए वो अपील उन्हें जरूर मानना होगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। क्या अपील है इस त्यौहार पर, दीपावली पे? आपकी दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। जैसा कि प्रचलित है कि भगवान राम जब लौटे थे वनवास से अयोध्या में, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम घर घर हुआ था। दीपोत्सव का मतलब खुशियों का त्यौहार। उस खुशियों के त्यौहार को जब हम मनाते हैं तो वो तभी अच्छा त्यौहार होगा जब किसी प्रकार का जुआ न खेलें, किसी प्रकार का नशा न करें। जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो जुआ नहीं खेला गया था और न नशा किया गया था। तो जो लोग भी भगवान राम को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इस त्यौहार को नरक का त्यौहार न बनाएं, बल्कि खुशियों का त्यौहार बनाएं। और इसलिए सभी लोग जो है एक दिया सरहद पे, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम सब लोग अमन चैन से रह रहे हैं, उनके नाम एक दिया सरहद पर तैनात सैनिकों के नाम जलाएं, और एक दिया जुआ के खिलाफ और नशे के अंधेरे के खिलाफ भी अपने अपने घर पर जलाएं, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त देश बनाने के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, और इस त्यौहार को जुआ मुक्त और नशा मुक्त त्यौहार मनाएं। ये मेरी अपील है, क्योंकि ये त्यौहार हिंदुओं का त्यौहार है और हिंदुओं का ये त्यौहार आज नशेड़ियों का त्यौहार बन कर रह गया है। बड़ी बेइज्जती और बदनामी होती है, समाज की भी और धर्म की भी बेइज्जती होती है और इस त्यौहार की भी बेइज्जती हो रही है। इसलिए सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस त्यौहार पर, दीपावली के त्यौहार पर, कोई भी ना जुआ खेले और ना किसी भी प्रकार का नशा करें। ये मेरी अपील है। तभी बहनों से अपील है कि जब वो अपने भाइयों को भैया द्विज लेकर के जाए तो तिलक लगाते समय अपने भाई से संकल्प कराएं कि वो अपने जीवन में अगर कभी नशा नहीं किए हैं तो संकल्प करें कभी नहीं करेंगे, और अगर कर रहे हों तो उनसे संकल्प कराएं कि वो अपने बच्चों के खातिर, बहन के खातिर, पत्नी के खातिर, माँ बाप के खातिर, समाज के खातिर, कम से कम अपनी ज़िंदगी के खातिर वो किसी भी प्रकार का नशा ना करें, ये संकल्प जरूर कराने का काम करें। ये मेरी बहनों से भी अपील है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों, प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि दीपावली के इस त्यौहार को नशा मुक्त और जुआ मुक्त त्यौहार मनाने की कृपा करें। सर, नशा मुक्ति अभियान का जो आप अभियान चला रहे हैं, बड़े स्तर पर चला रहे हैं, लोग इसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक सवाल भी है कि आपकी सरकार जो है इस पर, इसको बंद कराने के लिए काम क्यों नहीं? देखिए, इस पक्ष का मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि 1977 से 1980 तक इस देश में 2.5 साल शराब की दुकानें बंद रहीं। उस पीरियड में लोग कोरेस की दवा पीने लगे, मैंडिक्स की गोलियां खाने लगे, नींद की गोलियां खाने लगे, संजीवनी सुरा एक आयुर्वेदिक दवा आती थी उसको पी लेने लगे, उसमें तमाम लोगों की डेथ हुई, और नकली शराब बना करके, यूरिया खाद डाल करके महुआ में ऐसी शराब बनाने लगे जिससे लोग मरने लगे। यहाँ तक कि लोग अगर शराब नहीं मिली तो ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाने लगे। तो केवल शराब की ही दुकानें हैं और भांग की दुकानें हैं, बाकी स्मैक की, गांजा की, अफीम की, चरस की, कोकीन की, ब्राउन शुगर की, ड्रग्स की दुकानें नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही लोग ले रहे हैं। तो मेरी अपील है सब लोगों से कि अगर लोग नशा, जैसे जहर की दुकानें नहीं हैं क्योंकि जहर के कस्टमर नहीं हैं, ठीक बात है, हम जन आंदोलन चला रहे हैं कि लोग नशे के कस्टमर ना बने, नशा खरीदना बंद करें, पीना बंद करें, खाना बंद करें। तो पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, स्मैक, शराब अगर ये खाए पिएंगे नहीं तो निश्चित तरीके से जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो ये दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसलिए एक जन आंदोलन खड़ा करना है
कोई कस्टमर नहीं होगा नशे का, दुकानें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, फैक्ट्रियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ठीक, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जो इस दीपावली सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि हम नशा का बहिष्कार करें, नशा छोड़ दें, तो ज़रूर हमारा समाज अच्छा होगा। कैमरामैन लकी सिंह के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।